हल्ला बोल सीजन 2 एवरी संडे 6 PM सिर्फ बिंदास पर। यू नो गाइस, दुनिया में कई किस्म के नशे होते हैं और सबसे बड़ा नशा होता है प्यार का नशा। इस प्यार के नशे की सबसे अच्छी बात यह है कि इस नशे की दवा खुद प्यार है। हमारी आज की कहानी है आशीष और मालिनी की। आशीष अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आशीष को ड्रग्स की आदत लग गई थी। नाउ इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट, उसे अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, व्हिच वाज अ लिटिल सैड। लेकिन ऐसे में उसकी मुलाकात होती है मालिनी से। नाउ मालिनी वो जिसकी जिंदगी का मकसद ही है जो दुनिया में भटके हुए लोग हैं, अपनी राह से भटके हुए उनको रास्ता दिखाना। अब क्या ऐसे दो लोगों के बीच में प्यार पॉसिबल? कौन कहता है पॉसिबल नहीं? आइए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो एक्चुअली मैं कब से यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा। अगर आप हाँ कह देंगे ना तो मैं अभी जाके प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। बताइए ना, शादी करेंगे मुझसे? हेलो, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल का ऑफिस बताएंगे? हाँ, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इतना लेट ज्वाइन किया आपने, सिलेबस बहुत है, बहुत टाइम लगेगा, और हमारा प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है पर दिल का अच्छा है। प्लीज बताओगे कि ऑफिस कहाँ पर है? आपका कुछ भी चाहिए मुझे प्लीज बताना। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आगे से राइट, मैं चलूं? नो थैंक्स। आगे से राइट सर। मालिनी मैथ्यू सर, आपसे फोन पे बात हुई थी। यस, रिगार्डिंग द ओवर यूज ऑफ ड्रग्स इन योर कैंपस। सर, इसके लिए मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। इन टीनेज कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करने के लिए मैं बहुत अलग अलग तरीके अपनाती हूँ। हिप्नोसिस, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, कभी मुझे पुलिस बनना पड़ता है और कभी अ फ्रेंड। और इसके लिए मुझे फ्रेंड्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन सबकी हेल्प चाहिए रहेगी। राइट, अब मैं आस्क, इस गैंग का लीडर कौन है? आशीष, आशीष शर्मा, such a bright and promising student. दिखने में तो बहुत मासूम है ये बच्चा। Yes, you are right. Ex-temper speaking में 3 बार inter-college champion रह चुका है। कुछ हालातों की वजह से बिल्कुल भटक चुका है, लेकिन उसे सही राह पर आने के लिए एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। मैंने PN को भेजा है, अभी बच्चे आते होंगे। नहीं, चल 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 चलो भाई। नहीं नहीं, चल। Good evening sir, sorry, good morning sir. आशीष, बिट्टू, सना, इनसे मिलिए। मालिनी मैथ्यू जी सर, इनसे मिल चुके हैं। मालिनी जी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, आप इन्हें संभालिए। ओके। आप आई, बाहर आई, वरना वही पुराने बोरिंग क्लासमेट्स। क्लास में जाने का मन ही नहीं करता था, अब तो ओवरस्टडी करने का मन करता है। हाउ स्वीट, काम्या, गो गो, बिट्टू शर्मा, राइट? यस। हाउ स्वीट, थैंक यू। बदतमीज, यहाँ पे मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, कॉलेज की स्टूडेंट नहीं।
लाइफ कोच हूं और मैं यहां पर तुम लोगों के लिए आई हूं। आप इतनी दूर से आई हैं, इतनी भी क्या बेताबी थी, हमें बुला लिया होता। तुम्हें भी थप्पड़ खानी है क्या? प्लीज, गाल हाजिर है, इस बहाने आप छू तो लेंगी मुझे। अगर तुम लोग थप्पड़ों से सुधरने वालों में से थे तो मेरी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत थी मालिनी जी, लेकिन आप तो थोड़ा लेट हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त है। किसे बेवकूफ बना रहे हो? मेरे सामने फिलहाल आप ही खड़ी है, सॉरी बैठी है। बेवकूफ तुम मुझे नहीं, अपने आप को और अपनी फैमिली को बना रहे हो। तुम्हारी फैमिली सोचते कि तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो और यहाँ पे तुम लोग ड्रग्स के नशे में तुत होते हो। दया आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही सब कुछ जाएगा, हेल्थ, जिंदगी, करियर। बहुत पछताओगे, फिर वापस मुड़के कभी नहीं देख पाओगे। अभी भी वक्त, सुधर जाओ। शेमलेस। हेलो सर, सर आशीष शर्मा फिर से कॉन्फ्रेंस रूम का ताला तोड़ के स्टूडेंट्स के साथ पार्टी कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हवलदार, चेक करो और देखो कहीं कुछ है क्या। सबको बाहर निकालो। सर, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई है? सोसाइटी से किसी ने कंप्लेंट की है, लाउड म्यूजिक का और नशा पार्टी चल रही है। नहीं नहीं सर, आपको किसी ने उल्टी सीधी खबर दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये बच्चे हमारे कॉलेज के एनुअल डे की रिहर्सल कर रहे हैं और इन्हें परमिशन मैंने ही दी थी। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओके, चलो। थैंक यू। हम आपको इतने पसंद आए मालिनी जी। बहुत ज्यादा तुम लोग मुझे पसंद हो, इसलिए कल सुबह तुम सबको प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है, परेड लगने वाली है। आप इतनी रात को हमें बचाने आए, राइट? तो मान भी जाइए कि अभी तक आप इम्प्रेस हो चुकी होंगी हमसे। ये तुम्हारी गलत फहमी है, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस और क्रेडिट मत दो। मैं तुम्हें नहीं, कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने आई हूँ। शर्म आती है मुझे तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग हो हमारे देश का फ्यूचर। Disgusting. You know what, guys? I will make sure that all of you pay for this. और next time cops को मैं खुद बुलाऊंगी। तुम तीनों का नाम मैंने disciplinary action committee में दिया है। And I'll see to it कि इस साल के semesters में मैं तुम लोगों को बैठने नहीं देने वाली। अब इसके बाद जो चाहे कमेटी का डिसीजन हो। और हाँ, तुम लोगों के पेरेंट्स को भी सब कुछ बता दिया गया है। अब कमेटी क्या डिसीजन लेती है, लेट्स सी। यू ऑल कैन लीव नाउ। आशीष, तुम एक मिनट यहीं पर रुको। अपनी जिंदगी बर्बाद कर। स्कूल की जेल से निकले हैं, अब कॉलेज की जेल में डाल दो। एनीवेज बाद में जाके लाइफ में हमें धक्के खाना है। सो वी गाइस आर एंजॉयिंग इट। तो ड्रग तुम्हारी लाइफ और एंजॉयमेंट का डेफिनेशन। बहुत पछताओगे तुम, दलदल में फंसते जा रहे हो, अंदर से कब खोखले बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। रबिश, हम हमारी लाइफ एकदम स्टाइल से जीते, पता है हमें कोई कुछ नहीं बोलता। आप इनफैक्ट आपके पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात टीचर्स आई और गई। आप शायद 8वीं हो सकती हैं। Really? तो चलो, ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ।
अगर मैं हार गई तो मैं यहाँ से यूएस चली जाऊंगी, वहां पढ़ाऊंगी, मजे की लाइफ। पर तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। गुड लक। और अगर मैं यहाँ से तुम्हें चेंज कर कर गई तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। इनफैक्ट मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने? What did you just say? I really like you. Grow up. कि बचपना बंद करो अपना। मुझे पता था अब ये कहेंगे कि ये टीनेज क्रश है, इन्फैचुएशन है, आप मुझसे बड़ी है, मुझे लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? Of course, वही। I'm serious. मालिनी जी, अब तो आप ही कुछ कीजिए। जब से इसके डैड के साथ डिवोर्स हो गया है, ये अजीब सा हो गया है। ना ही किसी से कुछ शेयर करता है, ना ही किसी के साथ मिक्सअप होता। अपने आशीष के डैड से इस बारे में बात की है? उन्हें लगता है कि इसके खर्चे चलाने से उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। ये जो मांगते हैं वो दे देते हैं, बट विदाउट हिज लव एंड टाइम। इस बात पे कभी आशीष ने रिएक्ट नहीं किया? मुझे तो लग रहा है कि मैंने मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों को ही खो दिया। तो अब यहाँ भी आ गई? ये आपका कॉलेज नहीं, मेरा घर है, और यहाँ बैठकर मैं आपका भाषण नहीं सुनूंगा। दिस इज माय लाइफ। आशीष, मैं तुम्हें कोई भाषण देने नहीं आई। इनफैक्ट मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। किसको चाहिए आपका साथ यार? अब मेरे बारे में केयर करती है, मुझे लाइक करती है। डू यू लव मी? यू डोंट, राइट? आशीष तुम चुप रहो, बर्बाद हो जाओगे इस तरह। तो बर्बाद हो जाने दीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए फेक दिखावा, केयर, आपका प्यार, पापा के फोन कॉल, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? खबरदार जो एक लफ्ज भी निकाला। शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए? पेड़ भी नहीं हो गया हो तुम? हमने पाला है तुम्हें। तो बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। मिसेस शर्मा, प्लीज संभालिए अपने आप को। देखा आपने, मैं हेल्पलेस हो चुकी हूँ। अब आप ही कुछ ट्राई कीजिए। शर्मा, डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ये लत ऐसी है ना जो आसानी से नहीं छूटती। इसके लिए मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए। मैं हूँ। प्लीज मेरे बेटे को इस नर्क से बाहर निकालिए। मेरा इकलौता बेटा है वो, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। डोंट वरी। ये देख। What's up? Hey dude, आज का न्यूज देखा क्या? हमारे जू में एक नया जानवर आया है, देखेगा? Dude, what happened? मालिनी घर पे आई थी। क्या बात कर रहा है, उसका तो कुछ करना पड़ेगा यार। उसने तेरा कुछ बिगाड़ा है? नहीं ना, वो मेरे घर पे आई थी और वो हमारा भला चाहती है। She's nice that way. I think I like her. I think I love her. मैं उसके लिए ड्रग्स भी छोड़ सकता हूँ यार। She's intoxicating enough. But, dude. Nothing. Nothing. क्या हुआ? दिखा। किससे पूछ के क्या ये सब? मेरे से पूछा तूने? पूछा मेरे से? थप्पड़ मारा था उसने मुझे, और उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में परेड कराई थी। I wanted to take revenge, तो मैंने ले ली। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, वो कुछ गलत कह रही है। सही कह रही ना, हमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। एक टाइम पे स्टार थे हम। कोई जानता है हमें? कोई जानता है? कोई नहीं। एक बात बता, तुम दोनों के बीच कुछ? गाइस गाइस गाइस, नहीं, लीव हिम। नहीं गाइस, सही है भाई,
अब उस लड़की के चक्कर में अब दोस्तों को छोड़ देगा। आशीष, आशीष, वन सेकेंड, कैन वी टॉक अबाउट व्हाट? वेदर फोकस्ड? या स्टूपिड, ऑफ कोर्स अबाउट योर लाइफ। कब तक रियलिटी से भागते रहोगे? कैन वी गो एंड सिट समवेयर? तुम अपने दिल की हर एक बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलो लेट्स टेक इट दिस वे कि किसी और के लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो कर ही सकते हो ना। लाइक यू सेड, यू हैव अ क्रश ऑन मी। नहीं, मैंने सिर्फ क्रश नहीं कहा था, आई मीन हाँ, बट माय गैंग, दे ऑल हेट यू एंड इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड। आई एम जस्ट फीलिंग रियली सॉरी फॉर यू। मुझे लगा बहुत सैड हो। डोंट बी सॉरी फॉर मी, कम ऑन यार, मैं भी कॉलेज गई हूँ। आई नो हाउ इट इज, मुझे पता है ये सब होता है। अब ये सब नहीं होगा तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। सो अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर एक सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। Just look at yourself, Ashish. क्या थे तुम और क्या हो गए हो? You were such a good speaker. और आज तुम दो सेंटेंस भी नहीं बोल पाए। Why do you deny the fact that you have been trapped? मैं हूँ ना, I'm there to help you. But just accept the fact, your friends are selfish. वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए हैं। Please leave them before it's too late. It is too late. It is too late. मैं नहीं छोड़ सकता ड्रग्स। आपको लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? हाँ, लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग कितना कुछ कहते हैं मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता, बट बस यही मेरा सारा है। I just can't do anything about it. I'm helpless. अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो आशीष। आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आप स्ट्रांग हो, आपके लाइफ में पीस है। और मेरी क्या जानते हो तुम मेरे लाइफ के बारे में? हाउ मच डू यू नो? I understand कि तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, and I exactly know what you're going through. I was also an addict. कोई था मेरी जिंदगी में। There was a man, my lover. He was the center of my world. But you know what? That relationship was getting too suffocating for me. एडिक्शन आपकी लाइफ बर्बाद कर देती है। आपके पास जो सिचुएशन होती है ना, तो आपको चूज करना है कि आप कैसे उसे यूज करोगे। एंड ईदर यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ और कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर। छोड़ दो अपने दोस्तों को, मूव ऑन। दोस्त ये सब जिंदगी नहीं है। मैं नहीं कर सकता ये सब, वो मेरे दोस्त हैं। एंड प्लीज स्टॉप टॉकिंग रबिश। दोस्त? रियली? दोस्तों का मतलब पता है किस हद तक जा सकते हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए? आप ऐसे बात करो जैसे आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। चलो ऐसे ही सही, आजमा के देख लो। आप ही मुझे लाइक करने लगे? सिंगल माइंड ट्रैक हो ना तुम? आपने तो कहा कि मैं भटक चुका हूँ, तो अभी उस सिंगल ट्रैक पे आने की कोशिश करो। And I think life coach और life mate में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आया ना? Mad, mad ही हुआ। आया ना? Ma'am, maybe. Counselor, मैं तुम्हारी statements record कर रही हूँ। जो भी बोलोगे सोच समझ कर बोलो। Tell me, what do you think about Ashish? He's a wonderful guy. He's my best friend. लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग भी है वो। He's a real hero. Really? तुम्हें पता है ना, मेरे पास तीन witnesses हैं जो पुलिस को ये बताने के लिए तैयार है कि तुम कॉलेज में ड्रग बेचते हो। तुम्हारा ड्रग डीलर अरेस्ट हो चुका है और उसने तुम्हारा नाम बताया। मैंने कुछ नहीं किया इस आशीष, उसने किया है सब कुछ।
सर ये झूठ में मेरा नाम ले रहा है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा कोई डीलर भी आशीष ने और तुम्हारा कोई हाथ नहीं। सर ये सब बिट्टू खरीदा था सर, मैंने क्या किया, सिर्फ आशीष की ऑर्डर्स फॉलो किए और ड्रग्स के पैसे कौन देता था पूछो उसे, वो बताएगा आपको। आशीष ने तो ये बताया कि उसे ड्रग्स स्पेल करना भी नहीं आता, ये सब तुम ही ने उसे सिखाया एंड ही इज इनोसेंट। सिर्फ एक बार मम्मी कसम। शट अप, शर्म नहीं आती तुम्हें, झूठी कसम खाते हो। प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि तुम्हें यहाँ से रेस्टिकेट किया जाएगा मैम, और यहाँ से तुम सीधे जाओगे रिहैब से, वहीं से सोबर होने के बाद तुम कॉलेज में वापस आओगे अगर कॉलेज ने तुम्हें वापस लिया तो। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है, इस आशीष उसने मुझे फंसाया है मैम, प्लीज बचाओ मैम मुझे, प्लीज बचा लो मुझे। शट अप, लीव दिस केबिन, गेट आउट। इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है, मेरे खुद का दोस्त। So coming to you, कॉलेज की लड़कियों को तुम ड्रग्स सप्लाई करती हो राइट? नहीं मैम, आशीष हमारा लीडर है, वो जिससे बोलता है मैं उसी को ड्रग देती हूँ, खुद से नहीं देती। तो अगर आशीष तुमसे कहेगा कि सुसाइड कर लो तो तुम अपनी जान दे दोगी? नो मैम। तो फिर क्या मजा आता है तुम्हें ये सब करके? What is it? क्या किक मिलती है तुम्हें? आशीष इन सब के लिए मुझे चीजें गिफ्ट करता है, टैब, स्मार्टफोन्स, शूज। How cheap? इसलिए तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करती हो? No ma'am. Disgusting. You'll also be rusticated from college. और तुम भी रिहैब सेंटर जाओगी और वहां से सोबर होने के बाद ही वापस आओगी, समझी? मैम प्लीज डोंट थ्रो मी आउट ऑफ कॉलेज, बट प्लीज मुझे सस्पेंड होने से बचा लीजिए। इफ यू वांट आई कैन गिव यू एविडेंस अगेंस्ट आशीष, प्लीज मैम प्लीज हेल्प मी। Get out. सबके सब गद्दार निकले, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, उनकी फीस भरी, उनको गिफ्ट्स लेके दिए, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला, इतना कुछ किया और सब कुछ मेरे पैसे से, और उन्होंने मेरे साथ आशीष कंट्रोल योरसेल्फ, यही रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, कोई किसी का नहीं, एंड यू नो व्हाट, अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। लिसन, लुक अप, डोंट क्राई, अब मैं शायद तुम्हें रिहैब नहीं भेजूंगी क्योंकि अब बुरा इन्फ्लुएंस नहीं रहना तुम्हारी लाइफ में, तुमने अपनी मिस्टेक कबूल की है, हो सकता है तुम इसी बात से खुद ही रिकवर हो जाओ राइट? कम ऑन, चेयर अप। हम मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे मुझे, प्लीज प्लीज। इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। आशीष, आशीष, गेट अप आशीष, उठो आशीष। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I really like you. आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे मुझे, please. लाइफ कोच और लाइफ मेट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप भी मुझे लाइक करने लगे तो आया ना, आया ना, आया ना। आया ना।
नींद आई? कुछ खाओगे? श्योर? भूख तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा तो मैं और 3 हफ्ते यहीं रुकता हूँ। प्लीज मैं चार हफ्ते रुक जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे मेरा डोज दिला दो, जस्ट वंस। प्लीज प्लीज मूवीज, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? नहीं प्लीज प्लीज जस्ट वंस प्लीज। नो आशीष प्लीज, बहुत मुश्किल से नो। अच्छा सुनो, लिसन टू मी, ओनली वन प्रॉमिस, तुम इसके बाद कभी नहीं करोगे। लेट्स गो। और कितनी दूर है जगह? बस पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर गाड़ी थोड़ा आगे रोक देना। आशीष कौन है ये? तुमने कहा था मुझे मेरे ड्रग्स मिलेंगे यहाँ पे, कहाँ लिया है मुझे? हाँ तो हम जा रहे हैं ना तुम्हारी ड्रग्स लेने, इतनी क्या जल्दी है? लिसन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, कॉलेज का डूड हुआ करता था, बहुत टाइम से उससे मिली नहीं थी तो सोचा मिल लूं। ड्रग्स ओवरडोज की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई है, ऐसे जीता है ये, जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हुआ है। पर कुछ फायदा नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता कि उससे मिलने कौन आता है। सुनो आशीष, लिसन बाबा हम जा रहे हैं तुम्हारी ड्रग्स लेने। आशीष आशीष क्या हुआ आशीष? चलो ना तुम्हारा डोज लेने जाना है, राइट? यही पास में है, चलो लेट्स गो एंड गेट इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ घर जाना है, मुझे मेरा डोज नहीं चाहिए, मुझे प्लीज घर ले चलो, प्लीज घर ले चलो। चले ड्राइवर, घर चलिए। सुके आशीष, लिसन टू मी, आशीष, इट्स ओके। रात बुझ गई तेरी बाहों में, मैं ढूंढता रहा तुझे अपनी बाहों में। आप ऐसे बात करो जैसे आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आसमा के देख लो, आप ही मुझे
लाइक करने लगी? भैंड ही हुआ। आपके पास जो सिचुएशन होती है ना, तो आपको चूज करना है कि आप कैसे उसे यूज करोगे। एंड ईदर यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ और कम आउट ऑफ स्ट्रॉन्गर। Handsome guy, looking very nice. मैं इनफैक्ट अभी बाहर ही जा रही थी, but anyways. मैं आपका ज़्यादा टाइम मिलूँगा. Flowers for you. How sweet. Thank you so much. आप अंदर आ जाओ. Sit. So, क्या चल रहा है? क्या हुआ? यार. I love you. मुझे देर हो रही है, बाहर जाना, कॉलेज में मिलेंगे. Sure. मालिनी वॉज इन अ डिलेमा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आशीष को पसंद करने लगी थी. आशीष के उस सेल्फलेस प्यार ने मालिनी के ऊपर एक अलग ही असर छोड़ा था. आप कितनी भी कोशिश कर ले, प्यार छुपाए नहीं छुपता, क्योंकि नेवर हाइड लव, इट्स इम्पॉसिबल. मालिनी, मैं जानती हूँ कि तुमने ही आशीष की जिंदगी बचाई है, पर इस रिश्ते का अंजाम क्या है? और हमारी सोसाइटी के लोग तो इस रिश्ते पे उंगली ही उठाएंगे ना, कोई नहीं समझ पाएगा तुम दोनों को. मैं समझ सकती हूँ मिस्टर शर्मा, आई एम रियली वेरी सॉरी. कहीं ना कहीं शायद मैं ही अपने दायरे से बाहर निकल गई थी, बट आप चिंता मत कीजिए, आई प्रॉमिस यू कि मैं इसे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने दूंगी. क्या? प्लीज बी देयर ऑन टाइम. मुझे अब तक मेरा जवाब नहीं मिला. आशीष प्लीज, टाइम नहीं है. जवाब नहीं मिला तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. अब ये क्या बचपन है, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे? मालिनी आई लव यू. मैं कुछ भी करने को तैयार हूं यार. मैं तुम्हें कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस. देखो, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, ये मेरे लिए तुम्हारा रिकवरी साइन होगा. और हाँ, अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम रिकवर हो गए हो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. ओके? आंसर हाँ होना चाहिए. मैं ना सुनने के पोजिशन में नहीं हूं, मैं फिर से उस दलदल में नहीं घुसना चाहता. मुझे तुम्हें कॉन्टेस्ट जीतते हुए देखना. एनी हाउ, तुमने कह दिया, समझो मैं जीत गया. आई विल वेट फॉर इट. आई विल
मैं अपने अगले कंटेस्टेंट आशीष शर्मा को डाइस पे बुलाना चाहूंगा जो KMH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस एक्सटेम्पो में रिप्रेजेंट करेंगे। आशीष, आपका टॉपिक है मोर फ्रीडम एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आज का यूथ क्या चाहता है, और आपका अलॉटेड टाइम है 1 मिनट। फ्रीडम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। वी आर द एडिक्ट्स ऑफ आवर ओन फ्रीडम। हम अक्सर इसी फ्रीडम के बहाने अपने विशेष के स्लेव्स बन जाते हैं। यही चाहिए और बस यही और यही चाहिए। क्यों, कैसे, किसके लिए, वाय? किसने हमारे लिए क्या सैक्रिफाइस किया, उसे हमें कुछ लेने देने नहीं। ये कोई किताब में पढ़ी बात नहीं है, ये मेरी अपनी खुद की लाइफ स्टोरी है। अपने फ्रीडम को मिसइंटरप्रेट किया मैंने, उसे यूज किया मैंने, इनफैक्ट यूज इज अ स्मॉल वर्ड, उसे अब्यूज किया मैंने। बचपन में हम सब ने एक कहावत तो सुनी होगी कि हमारी फ्रीडम वही खत्म हो जाती है जहां किसी और की नाक शुरू होती है। सो विद फ्रीडम ऑटोमेटिकली कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मोर फ्रीडम यू हैव, द मोर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बी। स्टॉप आशीष, आशीष योर टाइम्स अप। सर, 2 साल बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आई है सर। 2 मिनट एक्स्ट्रा तो बनता है सर, प्लीज। आई नीड टू फिनिश व्हाट आई हैव टू से, प्लीज सर। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। इनफैक्ट मेरी माँ को लगा कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। मेरे प्रिंसिपल, ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट मुझे खुद ऐसा लगा कि मुझे अपना खुद का हाथ छोड़ दे। I was hopeless. अकेला था मैं, पूरा अकेला। लेकिन इन सब में वो सिर्फ एक ही थी जिसने मुझ में विश्वास किया, मुझ में भरोसा किया। थैंक यू। मुझे इस दलदल से निकालने के लिए, मुझे इस कीचड़ से निकालने के लिए। ये जो फ्रीडम मुझे आज मिली है, ये सब उसी के वजह से। आई प्रॉमिस यू आई यूज इट रिस्पॉन्सिबली। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। अरे आशीष, ये मालिनी मैडम ने चिट्ठी दी आपके लिए। डियर आशीष, आई एम हैप्पी दैट यू आर बैक ऑन ट्रैक। बैंग ऑन। अब तो तुम फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को समझ ही गए हो। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस। सो नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय। रिलेशनशिप सिर्फ इसी के काबिल था और ऐसे ही खत्म होना था, इस कागज के टुकड़े के साथ। रिलेशनशिप? हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि यू डिडंट फील एनीथिंग फॉर मी? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था? नो। भैया चलिए। रुक, आज तक मैं सच्चाई से भाग रहा था, लेकिन अब तुम भाग रही हो, क्यों? मैं झूठ बोल रही थी, पर तुम ही बताओ कि क्या हमारा ये रिलेशनशिप
क्या ये हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? मुझे मेरा जवाब मिल गया और एक सच भी मेरे सामने आ गया कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, लेकिन यही सच। मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम जा रही हो, लेकिन अब मैं इस दुनिया से खुद लड़ना चाहता हूं, खुद जूझना चाहता हूं। तुमने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पैर पे खड़ा किया, थैंक्स। मुझे जाना होगा, कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। मैंने उन्हें बहुत निगलेक्ट किया, उन्हें बहुत सताया। माय मॉम, इट्स अ बर्थडे टुडे, उनका जन्मदिन है आज। मैं जाता हूं, वो मेरा वेट कर रही है। जिस दिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे काबिल हूं, तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। गाइस, हर प्यार, मोहब्बत और आशिकी का अंत शादी नहीं होता, ये दुनिया का एक कड़वा सच है। वेल, मोहब्बत लेकिन वही महान मानी जाती है जो पूरी ना हो, उसे अमर माना जाता है। ये उस कड़वे सच से भी बड़ा सच है। अब यहां मालिनी आशीष को छोड़कर तो चली गई थी, लेकिन अगर आप इस स्टोरी को फिर से देखें तो कहीं ना कहीं मालिनी आशीष को एक नई जिंदगी दी, उसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया, उसे उस कीचड़ से निकालकर रोशनी दिखाई, एक लविंग, एक केयरिंग, एक मोर एडमिंट इंसान बनाकर गई है वो उसे। और ये सारी चीजें करने वाली मालिनी थी। वेल, इससे ज्यादा कोई आशिकी में क्या कर सकता है? अब आप माने या ना माने, ये है आशिकी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी गाइस। तब तक के लिए, keep falling in love. I'll see you next week.